आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते थे सर आपने सही सुना मैंने कहा आपके पास ऑप्शन नहीं था सो so, अब आ रही है या आ चुकी है एक लाइफस्टाइल स्टाइल ऐसी हुई ऑप्शन आपके लिए इन दैट प्राइस पॉइंट विच इज द महेंद्र रियर व्हील ड्राइव जी हाँ आपने सही सुना पेट्रोल में भी आती है डीजल में भी आती है क्या ये वाकई में अच्छी है नहीं लेट्स फाइंड आउट भी नहीं तरह ये बात सोच रहे होंगे कि गाड़ी में लोग ने पक्का फीचर्स ही निकाले होंगे जिस वजह से ये डिफरेंस आया है तो एक्चुअल में उसका जवाब है बिल्कुल नहीं गाड़ी के वही फीचर्स आते हैं जो पहले भी थे अभी भी आते हैं दो वेरिएंट्स आते हैं AX एंड LX एंड जो आपको 4x4 में फीचर्स आते हैं वही फीचर्स आपको इसमें भी दिए गए हैं तो आखिर में प्राइस कैसे कम किया तो इसके दो मेन रीजन है आइए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी को कहीं पे भी फोर बाय फोर की बैजिंग नहीं मिलती है तो इसमें से अब फोर बाय फोर उन्होंने ये वेरिएंट में नहीं दिया गया है अब उनका एक्सप्लेनेशन ये कि दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ थार अब जैसे अगर आप कोई एप्पल स्टोर में चले जाते हैं वहां पे आपको आईफोन का 12, 13, 14 प्रो प्रो मैक्स आपके पास वैरायटीज बहुत है तो उसी तरह से महिंद्रा क्लेम करता है दैट दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ थार और आपको बताया दूसरा पॉइंट क्या आता है गाड़ी का टॉर्क देखिए जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन थार में आती है दोनों 300 सौ का टॉर्क बनाते हैं एक ऑफ रोडिंग एक लाइफ स्टाइल के लिए उसका टॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है तो अब डीजल में क्या किया है महेंद्र ने उन्होंने टॉर्क वही रखा है हावेवर उन्होंने इंजन बदल दी है यानी कि आपको परफॉर्मेंस वैसा ही मिलना चाहिए पर अब आपको मिलती है D117 वन वन सेवन और पेट्रोल इंजन वही रखिए सो तो इसमें आपको सिक्स स्पीड मैनुअल आता है एंड साथ में 1.5 लीटर की डीजल इंजन दी दी गई है तो इसका पावर कैसा है टॉर्क कैसा है इसे चला के तो हम आपको बताएंगे लेकिन अब अगर आप ये बात सोचते हो कि आपको अगर एक लाइफस्टाइल एसयूवी मिलती है इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्पैक्ट एसयूवी आई मीन ऐसी स्टाइलिंग आपको कौन सी गाड़ी देगी कोई भी गाड़ी को ऐसा स्टाइलिंग ऐसा रोड प्रेजेंस इस प्राइस पॉइंट पे तो है ही नहीं एंड हम में से काफी लोग चाहते हैं कि हमारी पहली गाड़ी ऐसी जो हम कॉलेज ले जाएं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाएं एक ऐसी गाड़ी जिसमें हम हमारा कैरेक्टर जो है ज़्यादा पर्सोनिफाई हो जाए एंड व्हाट कैन बी बेटर ओवरऑल अगर आप इसी स्टाइलिंग देखते जो कहते ना रुदबा है गाड़ी का वैसा आपको मुश्किल से कोई और गाड़ी दे पाएगी अब अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊं तो आपके पास सर्कुलर हेडलैम्प है जो कोई और गाड़ी फिलहाल नहीं दे रही है हाँ हेलोजिन लाइट्स है यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग एल भी आ जाते हैं एंड इसका फ्रंट बम्पर काफी आगे तक आ जाता है टू गिव इट दैट रियल रोड प्रेजेंस मस्कुलर लुक और जैसे आप गाड़ी के साइड की तरफ जाओगे आपको इसमें 18 इंच के व्हील्स आते हैं कोई भी गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे आपको अठारह इंच के व्हील्स नहीं देती है जनरली आपको सेवन ओ या, या फिर स्कॉर्पियो वो प्राइस पॉइंट पे सफारी ये सब गाड़ियां आपको अठारह इंच के व्हील्स देती है जो कम से कम चौबीस से 28 लाख के प्राइस रेंज में आती है वो वेरिएंट्स उनका देते हैं और आपको ये प्राइस पॉइंट में इतना अच्छा टायर साइज प्लस इवन

अप्रैल से लागू होने वाला है अब जब आप इस गाड़ी को रियर से देखते हैं तो स्टाइलिंग वही मेंटेन्ड है आपके पास यहां हार्ड टॉप है व्हील पीछे माउंटेड है साथ में आपको एल भी मिल जाते हैं इन योर टेल लैम्स और एक चीज और बताना चाहता हूँ इसमें जो टायर्स जो है ना वो अभी भी ऑल टेरेन है यानी कि आप ऑलमोस्ट कोई भी रोड कंडीशन में इसे ले जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रिप आपको इश्यू नहीं आना चाहिए विच मीन्स अगर आपका कुछ फार्म वगैरह है वो हम टेस्ट करेंगे कि ये गाड़ी खराब रोड्स पे कैसे चलती है क्या ये वाकई में जा सकती है नहीं ऑन मोस्ट कंडीशन अनलेस हम एकदम हार्ड कोर ऑफ करें तो आप गाड़ी के अंदर जाते so हम आ गए. इसकी जो है ना बहुत ही जबरदस्त है और इस वजह से इसने कैप में पूरे 4 जो बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का जो दूसरी कोई गाड़ी ये प्राइस में नहीं देगी इज सीटिंग पोजीशन मैं ड्राइविंग के टाइम पे इस पर ज्यादा इंफोसाइज करके आपको बताऊंगा इन मोर डिटेल बट जो आपका सीटिंग पोजीशन है काफी हाई है अब अगर आप गाड़ी के फिट फिनिश की बात करते हो इट्स वेरी गुड ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आपको यहाँ आते हैं एंड व्हाट आई लाइक कहीं कहीं पे आपको वो कार्बन फाइबर फिनिश जो दिया है टचेस एकदम वो बहुत अच्छे लगते हैं आपको इस गाड़ी में स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आ जाता है जो आपके राइट साइड में है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स है वो भी आपको यहाँ राइट साइड पे दे दिए गए स्टीयरिंग व्हील आप हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं इस गाड़ी में आपको टच स्क्रीन सिस्टम आता है स्पीकर really like, जो है ना यहाँ ऊपर भी दिए हुए है जिस वजह से एक गाड़ी में अच्छा थ्री डी सराउंड इफेक्ट फील होता है वैसे इस गाड़ी में आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है और साथ में आपको जो बटन है नीचे की तरफ उनका डिजाइन चेंज कर दिया गया है पहले से थार में एंड ये थोड़े ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं तो इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल एंड सेंटर लॉकिंग जैसे फीचर्स यहां मिल जाते हैं अब नए फीचर्स बोल ही रहा हूँ तो आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इसमें न्यू महिंद्रा लोगो जो है ट्विन पीक लोगो है वो बाहर और गाड़ी के अंदर भी दिया गया विच आई डेंट टॉक अबाउट आपके पास स्टोरेज स्पेसेस भी गाड़ी में अच्छे खासी है आप आगे अपना फोन रख सकते हैं चार्जिंग आपके पास यूएस बी ट्वेल्व और जहां पे आपका फोर बाय फोर का गियर लेवर था उसकी जगह भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज आ गई है जहां पे आप एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं लाइक अ मोबाइल फोन कैन ऑल्सो भी इजिल प्लेस देर उसके अलावा अगर मैं सीट्स के बारे में बात कर लू तो फ्रंट सीट काफी वाइड है तो अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हैं तो आपको इतनी आसानी से थकावट नहीं होगी चाहे आप यू you नो know, पतले हो या इवन आप वाइड हो

ट ट्रैक्शन कंट्रोल दो एयर बैग एबीएस प्लस ई बी डी एंड मैंने आपको थ्री पॉइंट सीट बेल्ट का बताया ये गाड़ी ने पूरे फोर स्टार स्कोर किए इन द ग्लोबल इनकै सब बार इस गाड़ी को ड्राइव करने की, कर दिया, दिया इंजन वगैरह ये सब एस्पेक्ट पे एक, -एक करके आएंगे बट दो इंपॉर्टेंट चीजें इस गाड़ी की सबसे पहला पता है क्या आता है आपकी जो सीटिंग पोजिशन है आप जो सीट जो है आपकी हाइट पे है आपको जो रोड का व्यू है जो आपको ओवरऑल ड्राइविंग पोजीशन है इस गाड़ी का वो आपको कोई भी और कॉम्पैक्ट या मिड साइज एस नहीं दे सकती है। आप कुछ भी बोल लो कैसे भी कोई भी सेगमेंट की गाड़ी बोल लो ये टाइप का व्यू जो है आपको मुश्किल से कोई गाड़ी दे पाएगी तो आप बहुत हाइट पे बैठे हो एंड इट्स अ वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल व्यू एंड जो आपको कमांडिंग पोजीशन मिलता है ना रियर डिफरेंस आप एक बार चलाओगे ना आपको मजा नहीं आएगा उसे पॉइंट क्या आता है इज द ड्राइव अब आप पेट्रोल की बात कर लो या इवन आप ये 1.5 लीटर डीजल इंजन की बात कर लो आपको इतना पावर मिलता है फ्रॉम द वर्ड गो कि आप इजीली सिटी में ओवरटेक कर सकते हो हाईवे पे भगा सकते हो गाड़ी एंड ओवरऑल आई मीन ये 1.5 लीटर इंजन कर दिया है डीजल में बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 1.5 लीटर है अगर मुझे किसी ने बताया नहीं होता था द लास्ट टू थ्री डेज आई बीन ड्राइविंग दिस कार मुझे तो पता ही नहीं चलता था कि दिस इज अ स्मॉलर इंजन क्योंकि आपको जो पहले हजार आर में जो टॉर्क आता है ना दैट्स अनकम्पेरेबल मतलब आपको लगेगा कि ये तो सेम वही इंजन है

उसकी कमी तो आपको महसूस नहीं होने वाली अब जो इंजन मैं चला रहा हूं वो 1.5 लीटर की डीजल इंजन है 117 सौ बनाती है और 300 सौ एन का टॉर्क सेम टॉर्क है जो आपको 2.2 ये इंजन का नाम है डी वन वन सेवन सी आर डी तो इसमें जो ओवरऑल पावर है आपको पावर की कमी एक बार एक सेकेंड भी नहीं फील होगा सिटी में हाईवे पे दोनों पे एंड मोर ओवर क्या है जो फोर बाय फोर आता है

सो so, ये सारी चीजें आपकी ज्यादा बेटर होगी आपका स्टेयरिंग और लाइटर हो गया है पहले से सो so, इस वजह से आपकी जो ड्राइव है उसको अफेक्ट नहीं हुआ है एंड इनफैक्ट ये और ज्यादा स्मूथ हो गई है क्योंकि गाड़ी का वेट कम हो गया है तो इस वजह से जो बाउंसीनेस ज्यादा फील होता था गाड़ी को ड्यू टू तो एक्स्ट्रा डिफरेंशियल वो अब कम हो गया है आपको बाउंस थोड़ा बहुत अभी भी फील होगा बिकॉज ऑफ द हाइट बट ऐसे नहीं कि ये बहुत ज्यादा शेकी फील होगा नहीं इट्स मच मोर स्मूथर देन बिफोर एंड शहर में चलाने को आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया है अब डीजल इंजन पे आपके दो सवाल आएंगे नॉइज है क्या इंजन का देखिए डीजल इंजन में नॉइज रहता है बट इट्स नॉट वेरी नॉइजी और साथ में जो वाइब्रेशंस है वो आपको फील नहीं होते ना ही क्लच पे ना ही स्टीयरिंग पे ना ही आपके गियर लेवर पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम प्लस इसका क्लच जो है काफी लाइट है तो आप शहर में अगर चलाते हो तो आप एकदम कंफर्टेबली चला सकते हो एंड जो आपको ओवरऑल विजिबिलिटी जो गाड़ी में मिलता है ना उससे आप इजीली यू टर्न वगैरह जो लेना ना आप कॉन्फिडेंटली ले सकते हो आपका जजमेंट जो है ना बहुत इजीली सेट हो सकता है अगर आपने बड़ी ऊंची एसयूवी पहले नहीं चलाई है बिकॉज ऑफ द क्लियर विजिबिलिटी दैट दिस एसयूवी ऑफर्स अब दूसरी इंजन जो आती है वो है टू लीटर की पेट्रोल इंजन सेम वाली है एम स्टालियन वन फिफ्टी उसमें आपको सिर्फ ऑटोमेटिक दिया गया सो so, अगर आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मैनुअल चलाने में मजा नहीं आता आपको ऑटोमेटिक चाहिए फॉर अ लाइफस्टाइल तो आप पेट्रोल ऑटोमेटिक वा कंसीडर कर सकते हो तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द थार रियर व्हील ड्राइव ओवरऑल गाड़ी चलाने में काफी जबरदस्त है एंड इफ यू हैव नोटिसड टॉर्क इसका बहुत ही बढ़िया है देखिए आपको लाइफ में बहुत सारी गाड़ियां खरीदने के मौके आएंगे बट कोई कोई गाड़ियां ही ऐसी आती है जो एवरग्रीन हो जाए जैसे अगर आप टू व्हीलर्स देखते हैं तो वहां पे रॉयल एनफील्ड इज क्लियरली यू you नो know, इट्स लाइक like एन इमोशन सो so उसी तरीके से थार भी एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है आपने आज ली अगले 10, 20, 25 साल बाद भी अगर कोई आपको इस गाड़ी में बैठा देखेगा दे विल टर्न अराउंड एंड से क्या गाड़ी है सो so एक जो बोलते हैं ना अलग स्वैग जो अलग पर सोना आपका बन जाता है वो थार में ही पॉसिबल है एंड इफ यू आर यंग यूर लुकिंग टू योर फर्स्ट कर आई थिंक इससे बेटर लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट आपको आज के तारीख में नहीं मिलेगा बहुत सारी गाड़ियाँ आई है एंड बहुत सारी गाड़ियाँ गई है बट इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग इन टर्म्स ऑफ डिजाइन जो रोड प्रेजेंस ये गाड़ी ऑफर करती है शायद ही कोई और कर पाई है या कर पाएगी इन द नियर फ्यूचर गाइज so ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट द थार रियर व्हील ड्राइव अगर मैं एक कॉम्पैक्ट ऐसे भी लेना चाहता हूँ आई वॉन्ट समथिंग रियली लाइफ स्टाइल एंड कूल ये मेरी क्लियर चॉइस बन जाती है आपके लिए और अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पर जुड़ के अपने सारे कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ पे जाना है सारी गाड़ियां चलाई हुई है एंड दे विल गाइड यू सो दैट यू डोंट एंड हमारा आज का वीडियो अब अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है डो नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर टेन यूट्यूब चैनल मिलेंगे कल फिर With all your video guys take care bye